أجلهن فلا تعذبهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله इज्जत एहतराम के लायक नमाजी भाइयों दोस्तों बुजुर्ग को अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाता दाद मरतबा शुक्र के जिसकी तौफीक से दरसे कुरान की ये बाबरकत घड़ियां हम सबको नसीब हो रही हैं। सरकार के साथ इस्लाम का फरमान है कि वो शख्स के जिसको मेरे कुरान ने जिक्र अजकार से रोके रखा यानी वो कुरान को समझने में सीखने में मसरूफ रहा और दीगर कोई गिर्द वजीफे और अजकार नहीं कर सका और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की बरकत से अल्लाह ऐलान फरमाता है कि मैं उसको उनसे ज्यादा अता करूँगा जो मैं दूसरों को अता करता हूँ और फरमाया कि अल्लाह ताला के कलाम को दुनिया के तमाम कलामों पर वो अजमत हासिल है कि जो अल्लाह ताला को अपनी सारी मखलूकों पे हासिल है और जिस तरह ये कुरान अजमत वाला और कमाल वाला है इसका ये मौजज़ा है कि जो भी इसको सीखने समझने के लिए इसके साथ जुड़ता है अल्लाह उसको भी अजमत और कमाल वाला बना देता है। कल के दरसे कुरान में आपने तलाक के आकाम के हवाले से बुनियादी बातें समाप्त करवाई, उनका खुलासा ये था कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि भाई रजाई तलाकें दो हैं जिनके बाद तुम रजू कर सकते हो और अगर दो तलाकों के बाद तीसरी तलाक भी औरत को दे दी जाए तो अल्लाह ने फरमाया कि वो खावन के लिए उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक दूसरे मर्द से निकाह न कर ले। और उन आकाम की रोशनी में आपको तलाक की तीन किस्मों के बारे में आगाही दी गई कि एक तलाक वो होती है जिसको रजी तलाक कहते हैं कि जिसके बाद रजू हो सकता है, एक तलाक बैना होती है कि जिसके बाद औरत खुद मुख्तार होती है अपना निकाह कराने के वाले से, और तीसरी तलाक तलाक बिदत या मुगलसा कि जब कोई शख्स तीन तलाकें एक ही वक्त में किसी औरत को दे दे। उन अहकाम के बाद एक और अहम बात जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई इरशाद फरमाया इज़ा तलक्तुमुन निसा जब तुम औरतों को तलाक दे दो वबलगना अजलहुन्ना और जब उनकी इद्दत पूरी होने लगे फअमसिकूहुन्ना बिमारूफ तुम्हें अख्तियार है चाहो तो उनको अच्छे तरीके से रोक दो वसल्लिहुन्ना बिमारूफ और चाहो तो अच्छे तरीके के साथ रुखसत कर दो। कल के दर्स कुरान में भी और आज के दर्स में भी ये बात बड़ी अहम है कि अल्लाह ताला हमें तलाक के हर कुरान में और तलाक के हर बाब में अल्लाह ताला उन औरतों से हुस्ने सलूक का दर्स दे रहा है जिनको तलाक हो गई। ये कल भी मैंने बात दर्ज की थी कि हमारे माशरे का अलविया है कि हम तलाक होने के बाद बाज़ोकात ऐसी भी सूरतें होती हैं कि उस औरत को इस इंसानी माशरे का हिस्सा तक नहीं समझा जाता, लेकिन अगर तलाक हो गई तो अल्लाह फरमाता है कि फिर भी उनके साथ उसने सलूक करो और उसने सलूक वो चीज है कि जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने सारी मखलूक के साथ करने का हुक्म इरशाद फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल खल्क व अय्यामुल्लाह अल्लाह की जो मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक के साथ बेहतरीन रहता है यानी अल्लाह के खानदान के साथ सही रहता है।
इसलिए हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकरा नाम फरमाते हैं, सॉरी बाबा बुल्ले शाह का नाम है, आप फरमाते हैं कि कुछ हार ते जीत च नहीं लगता और कुछ बुग्ज ती रीत च नहीं लगता, मखलूक खुदा नाल प्यार तो कर रब सिर्फ मसीह ते नहीं लगता। यानी अगर कोई बंदा मखलूक खुदा के साथ भी अपना रवैया अच्छा अपनाता है, उसने सलूक वाला करता है, तो बस ऐसी सूरत है कि अल्लाह ताला अपनी कुर्बत और मार्फत का नूर अता फरमा देता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि उनको रखना है तो अच्छे तरीके से, भेजना है तो अच्छे तरीके से, वरना तुम से उनका देरा रंग देता तदू और उनको ना रोके रखो ज्यादती करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, इसलिए तुम रोक लो कि तुम उन पर ज्यादती करो, जुल्म करो। जिस तरह कल भी मैंने एक हदीस जो है कोट की थी कि एक खातून ने आका करीम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर मुझे तलाक दे देता है, फिर रजू कर लेता है, फिर तलाक दे देता है, रजू कर लेता है, और इसी जिम्मे में फिर वो आयत मुबारका नाज़िल हुई थी कि अगर इसकी हद बंदी ना की गई तो इस तरह तो रोज जो है वो लोग तलाक को तमाशा बना लेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत को इसलिए तलाक ना दो या इसलिए ना रोके रखो कि तलाक के चक्कर में जो है तो तलाक दो और फिर 15-20 दिन गुजरे सुलह कर लो, तलाक दे दो, सुलह कर लो, तलाक दे दो, सुलह कर लो। अल्लाह ने फरमाया ये जुल्म वाला मामला इख्तियार ना करो। वमन यफअल ज़ालिका, जो ऐसा करेगा, फकद ज़ालम नफ्सहु, वो अपने ऊपर जुल्म करने वाला है। कैसे जुल्म करेगा कि तलाक को मजाक बनाएगा, और तलाक ये अल्लाह की आयात में से आयत है, वो जब इसको मजाक बनाएगा तो अल्लाह की आयात का मजाक होगा, और जब अल्लाह की आयात का मजाक होगा तो वो गुनाह कबीरा करने वाला होगा, गुनाह कबीरा। अल्लाह फरमाता है जो ऐसा करता है वो अपने ऊपर जुल्म करता है कि अपने लिए गुनाह जमा कर रहा है, अपने लिए अल्लाह की नाराजगी जमा कर रहा है। और फरमाया अल्लाह की आयतों का मजाक ना बनाओ, कितनी वाज़ेह अल्लाह की आयतों का मजाक ना बनाओ। और यहाँ पर तो मजाक बनाने से मना किया गया है, और हमारे यहाँ तो इनका मजाक उड़ाया जाता है। मजाक करना और चीज है और मजाक उड़ाना और चीज है, मजाक उड़ाना ये करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। एक तलाक हो गई और फिर रजू हो गया, फिर तलाक हो गई, और इसमें माज़ल्लाह ऐसी सूरतें होती हैं कि हमारे यहाँ जो है एक ट्रेंड है कि भाई अपना वो 3 तलाकों के बाद भी सुलह करवा लो और जो है अपने तौर पर बड़ा खुश हुआ जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला की आयात के साथ मजाक है। अल्लाह फरमाता है कि भाई वो उसके लिए हलाल नहीं है, और जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दे दिया वो कयामत तक हराम है, उसको कोई हलाल नहीं कर सकता, और जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल है, उसे कोई हराम नहीं कर सकता। हम में से जब भी कोई शख्स अल्लाह की हलाल की ही चीज को हराम करेगा या हराम को हलाल करेगा तो वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब भी करेगा, अल्लाह की आयतों का मजाक भी बनाएगा, और अपने ऊपर जुल्म करने वाला भी होगा। फरमाया वस्कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह की नेमतों को याद किया करो जो उसने तुम पर की है, वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, और जो अल्लाह ताला ने तुम पर किताब में से और दराई में से नाज़िल किया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, या ये जो हुक्म देगी इसी में तुम्हारे लिए नसीहत है। इन ये जो तलाके देना फिर उनका मजाक बनाना मजाक उड़ाना, ये तो अल्लाह ताला की नेमतों के साथ किस तरह का सलूक कर रहे। अल्लाह फरमाते हैं इसमें तुम्हारे लिए नसीहत है कि अगर कोई नेमत वो तुम्हें मिल गई है तो उस नेमत में अल्लाह की भले तलाश करो, अल्लाह की हिकमत तलाश करो, अल्लाह की गहराई तलाश करो। इससे कबल हमने एक दर्स में ये अल्लाह की तालीम हासिल की, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुमकिन है जिन चीजों को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए शर साबित हो जाए, और जिनको तुम शर समझते हो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि घरेलू मामला में नौबत यहाँ तक आनी भी नहीं चाहिए कि हम तलाक तक जो है मामला को बचा दें, और उसमें फिर जो है एक दो खानदान जो है
वो आपस से जुदा हो जाए तो ये शैतान का कामयाब तरीन माल होता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जो है दो को तोड़ने के लिए कोशिश करता है अल्लाह ताला उस पर जो है जन्नत हराम कर देता है, ठीक है ना। और ये शैतान का कामयाब तरीन माल होता है कि भाई मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करा देना, उनको जुदा कर देना। और इसमें फिर ये ऐसे यकबाली नहीं हो जाता मामला, इनके पीछे जो है कई ऐसे शर पसंद और शरीर लोग होते हैं जो कान बहते रहते हैं, रास्ते बस्ते कलाम को वीरान करके रख देते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है अजीता इरशाद फरमाई है कि तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो और उसमें से जो नसीहत का मामला है उसको अपने लिए सबक बनाओ। फरमाया तक्वा, अल्लाह से डरते रहो, वादा और जान लो अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, हर चीज को जानने वाला है। देखें सोसाइटी का हिस्सा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो दोस्त इकट्ठे हैं तो वो सारी जिंदगी जो है एक ही ट्रेंड पे चलते रहे। वो दो दोस्त भी जो है वो अपना कभी एक बात पे यकसू नहीं होंगे, कहीं पे कोई इख्तलाफ करेगा, कहीं पे कोई इख्तलाफ करेगा, किसी का कोई मिजाज है दूसरे का कोई मिजाज है, किसी की कोई पसंद है दूसरे की कोई पसंद है। तो इन मामलात की वजह से अगर मियां बीवी के दरमियान भी ये कलेश आ जाते हैं तो उनको तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ और बड़ी हिम्मत अमली के साथ जो उनको डील किया जाए, ना कि जो है वो मिनट मिनट में जो है नौबत तलाक तक आ जाए, वो बच्ची मांगने पे मजबूर हो जाए, बच्चा तलाक देने पे मजबूर हो जाए, तो ये माशरे के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। और इसलिए अदालती सतह पर जो है वो तलाकों की शरह में इजाफा हो रहा है कि हमने वो हिकमत जो है वो ना होने के बराबर, वुस्सत ना होने के, तंग नजर इतने हो गए और सोच में इतनी तंगी आ गई है कि उसमें जो है हम एक स्टेप से अगला स्टेप जो है वो लेने को अपने लिए तौहीन समझते हैं। तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। सरकार सलाम की सीरत देखें क्या है कि एक ही वक्त में हजूर की 11 बीवियां हैं एक ही वक्त, और उसे आप याद फरमाती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हजूर सलाम जो है वो हम में से किसी पे नाराज हुए, लेकिन हजूर सलाम जो है वो 11 को इस तरह मैनेज करते हैं कि हर एक का हक भी अदा करते हैं और उनको मोहब्बत अखलाक और किरदार की तस्वीर में परोके भी रखते हैं और उनके नाम नफका की भी जिम्मेदारी लेते हैं और उनके साथ उसमें सलूक का मामला भी करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। ये नहीं है कि भाई उसमें कोई ऊंच नीच का मामला है, नहीं, बराबरी है, उसमें सलूक है, अच्छाई है, खैर खैर है। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि तालीम भी ये दी है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है, वह अन खयालों को ले आने और मैं तुमसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूँ, ठीक है। तो ये हजूर ने जो है कौन रखी है इस पर। और इसी तरह दूसरी आयत में फरमाया हुआ इजा तुम निसा, जब तुम औरतों को तलाक दे दो, पापा रखना आ जा रहा ना उनकी इद्दत पूरी हो जाए, फला तादुलुहुन ना अय्यन कहना अजवाज, उनको निकाह करने से ना रोको। गर्भवती को तलाक हो गई, अब वो औरत बा इख्तियार है, चाहे तो अपनी जिंदगी में किसी और के साथ निकाह कर ले, चाहे तो अपनी जिंदगी में जो है उसी खामत की तरफ अगर लौटना चाहती है तो दूसरे मर्द से निकाह और निकाह के बाद तलाक और फिर पहले मर्द के पास अगर वो जाना चाहती है तो उसको अख्तियार दिला सकती है। अब यहां पर देखे ना अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ह तारीफ है, फला तादुलुहुन्ना उनको ना रोको, यानी अगर वो निकाह कराना चाहती है तो ना रोको। अब यहां पर निकाह की जो निस्बत और अख्तियार है वो अल्लाह ताला ने उस औरत के सपुर्द किया है, औरत के सपुर्द की। और ये बात याद रहे, आज के तनाजुर में अगर ये बात मैं करूं तो हमारे यहाँ चूंकि फेसबुक ने और सोशल मीडिया ने मेल फीमेल को और ज्यादा करीब कर दिया है और आजकल की शादियों में जो है वो वालदैन की वो पहले वाली टेंशन नहीं रही जो आज से कुछ साल पहले होती थी, ठीक है ना। डायरेक्टली मतलब है वो निकाह के मामला जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, उसमें अगर बच्चा या बच्ची अपनी पसंद का इजहार कर लेता है तो मौजूदा दौर में हमारे लिए ये जायज नहीं है कि उसको जबरदस्ती डंडे के जोर पे रोका जाए,
ये गलत हो। और अगर औरत बालिग है, आपके लिए मैच्योर है, उसके लिए हदीस मुबारक है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई जो बालिग खातून है वो अपने नफ्स के बारे में खुद मुख्तियार है, ठीक है, वली बाप दादा चाचा मामा ये उस औरत के लिए तो वली बन सकते हैं कि जो अभी नाबालिग है। लेकिन एक बच्ची बालिग हो गई, बच्चा बालिग हो गया, उसमें उसकी पसंद को मलबूज रखा जाएगा। ये नहीं है कि उसको जो है गलत कुर्बानी के तौर पर गलत रंग देकर उसको जो है माशाल्लाह गैरत अना का मसला बना के एक नया तूफान खड़ा किया जाए, नहीं। अखलाकी अकदार हर जगह की होती है, जो कि हमारे इस्लामी माहौल की भी है, यहाँ की भी है। अखलाकी अकदार ये है कि हमारे यहाँ डायरेक्ट जो है बच्चा या बच्ची अपने निकाह शादी के मामला को नहीं करता, भाई बड़ों का उपराध होता है, सरपरस्ती होती है, अच्छी बात है, उसमें बरकत होती है और होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी भी मामले की वजह से ये अख्तियार नहीं करता तो फिर उसको नई लड़ाई ना बनाया जाए, नया तूफान ना बनाया जाए, बल्कि उसको अच्छे तरीके से हल करके उन दोनों को मिला दिया। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन औरतों के बारे में खास तौर पर फरमाया जिनको तलाकें हो गई, अब किसी को हक नहीं है कि उसको जबरदस्ती रोक के रखे, यानी कि ऐसे निकाह होने भी देना, करने भी नहीं देना, होने ही वगैरह नहीं। वो इसी तरह फरमाया इजा तला हो गई नो बिल मारूफ, जब वो औरत और वो मर्द कानून के मुताबिक तैयार है, राजी कि हम दोबारा आपस में मिलाप कर दें, तो फिर दरमियान में कोई रुकावट न बने, अल्लाह ने उनको अख्तियार किया। ये नसीहत की बातें हैं उसके लिए जो अल्लाह पे ईमान रखता है और आखिरत पे ईमान रखता है। ज़ालिकुम अस्फ़ा लकुम, और ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़गी वाली बात है, वह अत्ताहर और सबसे ज्यादा तहारत वाली बात है। अस्का और अतर इसमें मुबालगा किसी के अंदर इस्तेमाल की, भाई अगर तुम उस औरत को रोके रखोगे, उस औरत को किसी अल्जाम का भी सामना करना पड़ सकता है, बहतान का भी सामना करना पड़ सकता है, उस औरत को जिंदगी के अमूर को सरवाइव करने के लिए चलाने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर उसके सर पर जो है किसी शौहर का हाथ नहीं है तो फिर उसके लिए तो मुश्किलात है, घर वाले हैं, चैन हैं, भाई हैं, बाकी मतलब फैमिली मेम्बरान है, वो कब तक सपोर्ट करेंगे, कब तक हर मामले में उसका ख्याल करेंगे। अगर वो औरत अपने फ्यूचर के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर जो है वो किसी शौहर का इंतखाब करती है, तो तुम अपनी जाती अना जाती जिद और अपना एक खानदानी और कबाइली सिस्टम उसमें रुकावट ना बनाओ, ये उसके लिए ज्यादा पाकीज़गी वाली बात है कि वो आगे निकाह कर दे। फरमाया अल्लाह ताला ज्यादा जानता है और तुम नहीं जानते। तो इन दो आयात मुबारका का खुलासा ये बना, निकाह का हो जाना, तलाक का हो जाना, ये वो चीजें हैं कि जो शरीयत इस्लाम के हुक्म के तहत है। इनमें से एक तो किसी का मजाक नहीं बना, और दूसरा सुना फरमाते हैं कि तीन चीजें वो हैं कि जो मजाक में भी की जाए तो नाफिज हो जाती है, उनमें तलाक, और दूसरा उन्होंने फरमाया इताअ, किसी को आजाद कर दो, किसी को आजाद कर दो, और तीसरा ने फरमाया निकाह। ये संजीदा मामला, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक। और हमारे यहाँ मतलब कि कई ऐसे अफराद मैंने अपने कानों से सुना कि वो तलाक को इस तरह अपनी बातों में बयान कर रहे होते हैं और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस तरह बयान कर रहे होते हैं जैसे ये कोई खेल है और अपना जो है एक आम रूटीन की बात है, मैं चढ़ देनी पड़ती, मैं अपनी बीवी ने तलाक दे देनी, मैं भी कर देना, उन कर देना वगैरह की बात। तो मजाक ये चीजें नहीं है, हकीकत है, इनको संजीदा किया जाए और इनमें जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम है उनको फॉलो किया जाए। इन दोनों तीनों मामलों में जज्बात, सेंटिमेंटलिज्म और अपना गैर जरूरी मशवरों से परहेज करके इनको संजीदा लेकर अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की रोशनी में तय किया जाए। दूसरा ये हुआ कि अगर अल्लाह न करे किसी मर्द और औरत का आपस में निभा नहीं हुआ, कोई जाती वजह थी, शराई वजह थी, माशरती वजह थी, कोई भी काम हो, अगर हो गया
तो जिस औरत को तलाक हो गई उसकी जिंदगी को मुश्किल ना बनाया जाए। मर्द के लिए जरूरी है कि अगर उसने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा है, उसके साथ उसने सलूक वाला मामला करे। कल के दर्स में भी आपने सुना, अल्लाह यहां तक तालीम इरशाद फरमाता है कि उस औरत को जो तुमने दे दिया वो वापस ना लो। उसने सलूक का तकाजा यह है कि उसको इतना माल दे के भेज दो कि वो यहां से जाने के बाद अपनी जिंदगी को सरवाइव कर सके, अपनी जिंदगी को आसान बना सके। और अल्लाह ताला ने फिर उन तलाक शुदा औरतों के लिए ये इजाजत फरमाई कि अगर वो अपनी मर्जी से निकाह करना चाहती हैं, खानदान के फैमिली के अफराद जो है वो उनको निकाह करने से ना रोके, बल्कि अगर वो निकाह करना चाहती हैं तो उनके निकाह के मामला में आसानी का किरदार अदा करें, मुश्किल का किरदार अदा न करें। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला इन आकाम इलाहिया की रोशनी में हमें अपने खानदानी आईनी और निकाह तलाक के मामला को शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक तय करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह साहब, आपने परसों एक मसला पूछा था भांजे और भांजी से पर्दे के वाले से, वो किस औरत के बारे में है जो बेवा हो? अच्छा, उसमें ना तक में बैठी हुई है। हाँ, उसमें ना मिक्सिंग हो गई थी, थोड़ा मसाइल चीज चार पांच इकट्ठे हो गए थे, उसमें ना गलती हो गई, शायद उन्होंने ये कहा कि मुझसे पर्दा है, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि भांजे और भांजे हैं, भतीजे हैं, भांजी है या भतीजी है, उनसे जो है बेवा का या तलाकशुदा का या आम खातून का पर्दा नहीं है, वो उनके साथ बेतकल्लुफी के साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छा, एक छोटा सा मसला, ये नीचे मैंने सुरख पहना हुआ लिबास गर्म करने के बाद आपके लिए, तो ये क्या जायज है? हाँ, तो रंग के एतबार से एक असूल आपने ज़हन में रखना है, शरीयत मुताहरा ने अपने मानने वालों के लिए किसी भी रंग को मुकर्रर नहीं किया। लिबास का मकसद है कि ये तुम्हारे जिस्म को ढांपे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में लिबास अता करने की हिकमत बताता है कि ये लिबास तुम्हें इसलिए दिया गया ताकि तुम अपने तन को जो है इससे ढांपो। किसी रंग को अल्लाह ताला ने खास नहीं किया कि ये पहनो और ये ना पहनो, ये पहनो और ये ना पहनो। हाँ, सफेद लिबास है तो उसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंदीदा लिबास जरूर करार दिया है, लेकिन किसी हदीस में भी ये तालीम नहीं है कि सिर्फ सफेद पहनो और कोई और लिबास ना पहनो। हाँ, अगर अल्लाह न करे कोई लिबास या कोई रंग वो किसी भी दौर में किसी गैर मुस्लिम कौम का निशान बन जाता है तो उसमें हमें फिर ये पहचान करना जरूरी होगी कि हम उसको लिबास के तौर पर इस्तेमाल करें, उनकी नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल ना करें। यानी कुछ चीजें होती हैं उनका ताल्लुक वक्त के साथ होता है। मिसाल के तौर पर आप हमसे बड़ी उम्र की है, ये पेंट शर्ट जो पहनी जाती है, एक वक्त था कि जब ये शुरू हुई थी तो इसके पहनने के खिलाफ फतवे आए थे कि इनको ना पहना जाए, ये अंग्रेज का लिबास है, गैर मुस्लिम का लिबास है, हराम तक के मतलब में जो है फतवे थे कि इसका पहनना हराम है। लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? कि अब पेंट शर्ट भी इसी तरह हमारे माशरे में लिबास बन चुकी है जिस तरह शलवार और कमीज लिबास बन चुकी है, और जो पेंट शर्ट का आदि है वो शलवार और कमीज पहनने में अपने लिए मुश्किल महसूस करता है, और जो बंदा पैंट शर्ट नहीं पहनता वो पैंट शर्ट अगर पहन लेगा तो अपने लिए मुश्किल खड़ी करेगा। ठीक है, तो यदि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो वक्त के साथ खास होती हैं कि इस दौर में वो पैंट शर्ट अब उनकी अलामत और उनका कल्चर नहीं रही, बल्कि दीगर लिबासों की तरह लिबास के जुमरे में आ गई है, तो अब ये जो है हराम या गुनाह के दर्जे पे नहीं होगा। तो इसी तरह कोई भी कलर है उसका भी यही हुक्म होगा कि अगर वो किसी की खास निशानी समझ के पहनता है फिर जायज नहीं होगा, वो लिबास कपड़ा समझ के पहनता है। दूसरा तलाक के वाले से एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, किसी जगह डिस्कशन के दौरान बात आई थी कि दो तलाकों के बाद कितने देर में जो है ना रिज्यू कर सकता है मैम? ये कल बता दिया था, तीन माह टाइम। अच्छा, एक तलाक दे दे उसके बाद तीन माह उसके पास टाइम है, तीन माह के अंदर अंदर वो सुलह कर सकता है। अगर तीन माह सुलह नहीं करेगा
तो 3 माह गुजरने के बाद ऑटोमेटिक उस औरत को दूसरी तलाक वाकई हो जाएगी और वो बैना होगी, और बैना जब हो जाएगी तो उस औरत को अख्तियार है, अगर वो मर्द तीसरी तलाक नहीं देता तो वो औरत अपनी मर्जी से दूसरा निकाह कर सकती है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم بارك لنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها وامورنا اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاة والصلاة ودرس القرآن مع جميع الحاضرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه